इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल हम सब लोग करते हैं, और आजकल जो हमारी डिपेंडेंसी है ना एक दूसरे से बात करने की, वो बहुत हद तक व्हाट्सएप पर डिपेंडेंट है। और आपने देखा होगा आपके घर में भी छोटे बच्चे से लेकर एक बड़ा बुजुर्ग भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने सोचा है कि आपके फ़ोन में अगर अचानक से व्हाट्सएप बंद हो जाता है तो फिर क्या होगा? तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो अपने फ़ोन को तुरंत से अपडेट कर लें, क्योंकि WhatsApp ने हाल ही में एक नया अपडेट जारी किया है जिसके मुताबिक अगर आपका फ़ोन अप टू डेट नहीं है या फिर आप बहुत पुराने वर्जन पर अपना फ़ोन चला रहे हैं तो ऐसे में 24 अक्टूबर के बाद आपके फ़ोन में WhatsApp का जो सपोर्ट है वो बंद हो जाएगा, यानी कि आप WhatsApp का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी फ़ोन्स पुराने एंड्रॉयड और iOS वर्जन पर चल रहे हैं तो उनमें WhatsApp अपना सपोर्ट बंद कर सकती है। तो ऐसे में बेटर ये है कि आप अपने फ़ोन को अप टू डेट कर लें। आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसको भी नए फ़ोन में अपग्रेड कर लें। तो सबसे पहले एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं, तो इसमें एंड्रॉयड वर्जन OS 4.1 और उससे जो पुराने वर्जन्स हैं उन सब के लिए WhatsApp जल्दी अपना सपोर्ट बंद कर सकती है। तो इस लिस्ट में Samsung Galaxy Note 2 के साथ 16 ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनके पास ये पुराना वर्जन है, और इन फोन्स में नया जो अपडेट है वो नहीं मिलता है, या एंड्रॉयड 4.1 के बाद का जो अपडेट है वो इन फोन्स में नहीं है। तो अभी तक जितने भी यूज़र्स इन फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अक्टूबर के बाद WhatsApp का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और साथ में WhatsApp हर अपडेट में ना सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर्स निकालता रहता है, नए नए अपडेट्स जारी करता है। तो ऐसे में अगर आप WhatsApp का इस्तेमाल कर भी रहे तो आपको लेटेस्ट फीचर्स और अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास भी कोई ऐसा पुराना डिवाइस है और आप WhatsApp का इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो तुरंत से अपने Android फ़ोन को 5.0 वर्जन पर, या फिर अगर आप iOS iPhone का इस्तेमाल करें तो अपने फ़ोन को एटलीस्ट iOS 12 और उसके बाद के जितने भी अपग्रेड्स हैं उसको अप टू डेट कर लें, तभी आप आने वाले टाइम में WhatsApp का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको यूज़ करना जारी कर पाएंगे और WhatsApp का सपोर्ट जो है वो आपके फ़ोन्स में बंद नहीं होगा। तो ऐसे अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई पुराने एंड्रॉयड वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ये सलाह ज़रूर दे के अपने फ़ोन को टाइमली अपडेट कर ले। और ऐसे में WhatsApp जो है ना बहुत सारे नए फीचर्स लेकर आ रही है। कंपनी ने हाल ही में एक अपना WhatsApp चैनल फीचर जो है वो रोल आउट किया है। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जिससे आप सेलिब्रिटीज़ और अपने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या कोई भी मन पसंदीदा एक्टर है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनके चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, और इनसे आपको जितने भी उनके लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको अपने ऐप पर मिलेंगे, और ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। साथ में WhatsApp ने जो अपनी वीडियो कॉलिंग सर्विस है उसको बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है। अब ग्रुप कॉलिंग फीचर में आप 32 मेंबर्स एक साथ ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो WhatsApp हर अपडेट में कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। तो ऐसे में अगर आप भी इन फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखें, और साथ में ये वीडियो अगर आपके हेल्पफुल रहे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।